भाजपा युवा मोर्चा के सदर विधानसभा की बैठक क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि जब से योगी आदित्यनाथ शहर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित हुए हैं, तब से गोरखपुर वासियों में बहुत ही हर्ष है और चुनाव को लेकर बहुत ही उत्सुक हैं। प्रदेश में 2017 से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद जिनके पास छत नहीं था उनको पक्का मकान दिया तथा जिनके पास शौचालय नहीं था उनको शौचालय दिया तथा उज्ज्वला योजना आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं और कोरोना काल में मुफ्त राशन दिया जा रहा है जिससे किसी भी गरीब को भोजन के बिना सोना ना पड़े। उन्होंने कहा महानगर के पदाधिकारियों को प्रत्येक वार्डों में बैठक कर 150 युवाओं से संपर्क साधना है तथा प्रत्येक बूथ पर 20 युवाओं की टोली बनाकर डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे और प्रदेश के जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और शहर के प्रमुख चौराहों पर कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार की नीतियों को पोस्टर प्ले कार्ड के माध्यम से दर्शाएंगे। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीत राय, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष पुरुषार्थ सिंह, महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा, शुभम मिश्रा, मीडिया प्रभारी राहुल शाहनी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा गोरखपुर महानगर के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई महानगर अध्यक्ष स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है। आदरणीय रंजीत राय बड़े जी का भी इस बैठक में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। भाजपा युवा मोर्चा जिनके नेतृत्व में हर कार्यक्रमों को निरंतर सफल तरीके से पूर्ण करते हैं, पुरुषार्थ सिंह जी का इस कार्यक्रम में बैठक में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। लोकप्रिय क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हम सभी के परिवार की सुजितांशु श्रीराज ने इस बैठक देखिए, जब से शहर विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रत्याशी बने हैं, गोरखपुर महानगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लगातार बैठकें चल रही हैं। अलग अलग बैठकें भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर महानगर के पदाधिकारियों की बैठक हुई है, पार्षदों की बैठक हुई है, आईटी और सोशल मीडिया की बैठक हुई है, सभी प्रकार के अलग अलग लोगों की बैठकें चल रही है। आज उसी क्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा जो गोरखपुर महानगर की इकाई है वो नगर विधानसभा को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर विशेष तौर पर हम सब बैठ रहे हैं। कैसे हमारे गोरखपुर नगर विधानसभा में प्रत्येक वार्डों में युवाओं की एक फौज निकल करके अधिक से अधिक नौजवानों को जोड़ करके सड़कों पर उतर करके सरकार की उपलब्धियों को ले जाएं और योगी आदित्यनाथ जी को रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम करें, उसकी रणनीति के लिए आज बैठक हो रही है।